कुछ बच्चे इनमें से कह रहे हैं कि टीचर्स जो हैं बड़ी मोनोटोनस मेथडोलॉजीज़ के साथ पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि टीचर का काम नहीं कि वो हमें एक एक चीज़ बताए, बल्कि हमारा काम है कि हम पढ़ें, हम प्रॉपरली मुताला करें और सवालात करें। तो इस पर क्या ख्याल है आपका, और आप टीचर्स को कितना ज़िम्मेदार करार देती हैं और स्टूडेंट्स को कितना? देखिए, दोनों तरफ का ही इसके अंदर मैं कहूँगी कि दोनों का ही रोल है। टीचर की आजकल ये कि पूरी कोशिश ये होती है कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट पढ़ाएं, बट स्टूडेंट्स का ये है कि आप वो बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहते। दे आर जस्ट ट्राइंग कि उनको जो प्रेजेंटेशन मिल रही है, जो बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, दे जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। इसके अलावा अलग से किसी बुक से जाके या किसी अदर जो कोई रिसर्च पेपर्स है वहाँ से जाके वो पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो अब ये है कि पहले ये होता था, जो हमने पढ़ा था तो हमें टीचर्स कहते थे कि जाइए, आपको बुक बता दी, यू कैन जस्ट गो देयर एंड देन लर्न फ्रॉम दैट टॉपिक, और हम पढ़ते थे। अच्छा, आजकल पढ़ते हैं आजकल ये बच्चे बस थोड़ा सा पढ़े स्टूडेंट्स जी, यू जस्ट प्रेजेंटेशन जो है वुड बी इनफ, हम अदर सोर्सेज से जाके ना पढ़ें। मतलब ये होता है कि उसी में से सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि अब तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे नेटवर्क है, आपको हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अब तो इंटरनेट का दौर है, अब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ बुक से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके लिए पढ़ते नहीं है, मुताला नहीं करते, उतना नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये उतना नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए, या ये एग्जाम्स पे भी डिपेंड करता है? आप हमें मार्क्स मिल जाए, हमें सिर्फ अपना एग्जाम पास करना है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं? पास करना है जी बिल्कुल, एग्जाम इतना नहीं कि जाके बुक्स नहीं पढ़ते हैं आप लोग, प्रेजेंटेशन जो है वुड बी इनफ। स्लाइड से आता है तो स्लाइड कैसे ना पढ़ें? नो नो सर, ही इज टॉकिंग जनरली, ही इज नॉट पॉइंटिंग आउट एनी स्पेसिफिक टीचर, ही इज टॉकिंग जनरली। नाजीन, एक उस्ताद जो ख्याल आए तो बार पढ़ना कौन है, जेको लेक्चर असि उन्हें वही दींदा आयो, स्लाइड्स दिखारींदा आयो, प्रेजेंटेशन ठाए करे हू उन में ही याद कंदा आहिनि, उन मां ई तयारी कंदा आहिनि। सो हिकु स्टूडेंट जो ख़्यालु आहे, जॾहिं पेपर ई स्लाइड मां थो हुजे त ॿी शइ पढ़ण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? वाई डू यू थिंक सो? हमें बताया जाता है ये आप ये पढ़ लोगे ना आप पास हो जाएंगे। अच्छा, आगे रिसर्च के लिए आप पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, मगर उस बुक से ना सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएंगे बस स्लाइड से आएंगे। अच्छा ठीक है, ये आपको बताया। यू विल डिसएग्री विथ हिम, एंड वाई डू यू डिसएग्री विथ हिम? Because I'm not going to favor with the teachers here. I'm going to just state the fact that is okay, agar somebody is here who's saying that he's going to state a fact. Let's see what the fact is. The point is that agar ye slides se paper na bana ke dein teachers and conceptual aur database dein jo ke bahar follow kiya jata hai, majority pass nahi karegi aur majority inhi teacher ko aake tang karegi, okay this is that and this is right. Ek student chave tho to je kare slide ma na padanda ai po ustad ko edo mushkil paper thai vathan ta hi sab jo sab bar fail थी वेंदा।